हेलो फ्रेंड्स, आम रसोई में आपका स्वागत है। हम आज बनाने वाले हैं मूंग की दाल के लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं, जो बच्चे और बड़े भी खा सकते हैं। और विंटर में नॉर्मली सब लड्डू बना के खाते हैं, क्यों ना आज आप कुछ नया ट्राई करें। और भी लड्डू खाते हो आप, मैं उसमें से एक लड्डू मूंग की दाल का बना के आपको दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपना कमेंट जरूर दें। आइए मैं बताती हूँ अब आपको इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैंने ये एक बाउल बड़ा वाला शुगर लिया है, 6 से 7 बादाम, 7-8 काजू और कुछ पिस्ते लिए हैं, और ये एक बाउल घी का, इसे भी मैंने मेल्ट नहीं किया है, और एक बाउल जो चीनी का लिया है आइसिंग शुगर, वही एक बाउल मैंने मूंग की दाल है जिसको मैंने धोकर साफ करके सूखने के बाद पिसाया है, जो उसको दरदरा पिसाया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा पिसाया है, इससे लड्डू बने तो कुछ अच्छा ही फ्लेवर या टेस्ट आए। अब मैं इसे इस पैन में बनाने वाली हूँ। ध्यान रहे लड्डू के लिए पैन लो फ्लेम में होना चाहिए, इसे हम तेज आंच में हाई लेवल में नहीं बनाएंगे। हम पैन गर्म होने पर इसमें अब मूंग की दाल का जो पाउडर हमने बनवाया पिसवाया है दाल, वो उसमें डालकर कम आंच में सेकेंगे। ये हमने एक बाउल मूंग की दाल ली है जिसे हम कम आंच में सेक, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ठंडा हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है पहले से। अब मैं इसमें घी डालूंगी, ठंडा हो चुका है ये। डाला था मैंने, इतनी जरूरत होगी उतनी भी डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं अब इसमें मैंने घी इतना अच्छा डाल दिया है, इससे मुझे बाइंडिंग करने में अच्छा होगा, आराम होगा और लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें चीनी डाल दी है, अब इस चीनी को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके बना दिया है, अब आप देखेंगे तो अच्छा बन रहा है, अब बाइंडिंग अच्छा हो गया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट को मैंने अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर में, इसमें मेरे तीनों चीज है। अब मैं इसको भी मैंने सारे ड्राई फ्रूट मिला दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आप पहचान नहीं कर सकते इसमें कहाँ ड्राई फ्रूट है और कहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं, सब एक में मिक्स हो गए, तो बच्चे आसानी से खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ड्राई फ्रूट थे भी या नहीं। अब मैं इनको लड्डू बनाऊंगी। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी इस आकार में, छोटे नींबू के आकार में, क्योंकि बच्चे कम मात्रा में खाते हैं, कम क्वांटिटी में खाते हैं, इसलिए उनके हिसाब से मैं स्मॉल स्मॉल पीस लड्डू बनाऊंगी। लुक एट दिस, मेरे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे बने हैं, अब खाने में पता चलेगा टेस्टी कैसे हैं। तो फटाफट आप भी बना के ट्राई कीजिए कैसे लगते हैं आपको ये लड्डू। और मैं इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, हो सके तो आप लगाना चाहे बच्चा तो अपने बच्चे के हिसाब से इस पर लगा के भी दे सकते हैं आप, बट मेरा बेटा नहीं खाता इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये बताने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।